आज हम बात करने वाले हैं बड़ी मशीन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर उजाला बुटिक में। तो ये है हमारे पास बड़ी मशीन जो है नेशनल कंपनी की। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये कपड़ा मतलब हम जितनी तेज़ी से चाहें उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ाती है, और ये चल तो रही है सही लेकिन स्पीड से कपड़े को आगे नहीं बढ़ाती है। अब ये कहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, और उसके साथ साथ अगर मशीन धागा काटे तो हमें क्या करना चाहिए, बहुत सी जानकारी हम आपको देंगे। सिलाई ख़राब आए तो कैसे ठीक करें, थोड़ा वीडियो बड़ा ज़रूर होगा लेकिन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, सबसे पहले इसकी हम जानकारी दें। तो सबसे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि जो छोटी मशीन होती है उससे ये बड़ी मशीन थोड़ा हटके होती है, थोड़ा नहीं बहुत कुछ हटके होती है, और देखने में तो सेम लगती है। बस कंडीशन क्या है, बड़ी छोटी मशीन में सामने की तरफ ये सिस्टम होता है ये वाला, और बड़ी मशीन में ये इस साइड में सिस्टम है ये, और ये वाला जो ये लगी है ये बड़ी मशीन में इस साइड लगी हुई होती है और छोटी मशीन में इस साइड लगी हुई होती है। एक तो ये चेंजिंग हो जाती है। उसके बाद आपको दिखाते हैं ये हमारी अम्ब्रेला मशीन, इसे अम्ब्रेला मशीन भी बोलते हैं। तो अम्ब्रेला मशीन की कुछ कंडीशन इस तरीके की होती है, देख सकते हैं। ये गरारी वाली होती है, इसमें गरारी ये फिट है, इसमें ये गरारी वाली होती है, और ये देख सकते हैं ये सिस्टम सारा कुछ वही होता है जो हमारी छोटी मशीन में दिया जाता है। इस दांत कसने वाला सिस्टम है, ऐसा ही हमारी छोटी मशीन में भी दांत कसने वाला सिस्टम होता है। अब इसमें डिब्बी लगाने वाला सिस्टम ये थोड़ा चेंज होता है। ये कैसा होता है देख सकते हैं, ये डिब्बी लगाने वाला सिस्टम कुछ इस तरीके का होता है, देख सकते हैं। इसमें वो वाली शटल नहीं होती, हाफ शटल नहीं होती, इसमें इसे फुल शटल ही बोलते हैं। ये फुल शटल होती है और अलग से नाल इसमें नहीं कसनी पड़ती है, बिल्कुल सारा कुछ इतनी डिब्बी में ही सेटलमेंट हो जाता है। तो इस तरीके से लगाएं गाइस, अगर आपकी मशीन टाइट चल रही है, भारी चल रही है तो ध्यान रखें। अगर ये वाली मशीन अगर भारी चल रही है तो यहाँ पर धागा फंस जाता है, ध्यान से देखें, यहाँ पर धागा फंस जाता है, यहाँ पर जो बीच में जो बीच में जो स्पेस है इसके, यहाँ पर धागा, यही वाला धागा आके और इस तरीके से इसमें लिबड़ जाता है, और तभी हमारी मशीन क्या होता है कि भारी चलने लगती है। तो ध्यान रखें, इस तरीके की प्रॉब्लम आए तो आप, अगर आपके अकस्मात ऑटोमेटिक भारी चलने लगे तो आपको ये चीज़ ज़रूर चेक करनी है, और यहीं पर प्रॉब्लम आती है। अब उसके दूसरी बात यह है कि अब हम आपको बताते हैं कि आपकी मशीन धागा कब काटती है, धागा काटने का रीज़न क्या है, धागा हमारी कहाँ पर काटती है और कैसे काटती है। तो चलिए हम वो भी बताते हैं। देख सकते हैं ये है जो ये मशीन है, इसमें तो हमने नए ब्लेड लगाए हैं, ये वाले ब्लेड नए लगे हुए हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर खरांच सी आ जाती है, यहाँ पर इस जगह पर खरांच सी आ जाती है, और इसकी वजह से हमारी मशीन धागा काटने लगती है। अब इसमें रिपेयरिंग करें तो रिपेयरिंग तो अच्छे से नहीं हो पाएगी, अगर रिपेयरिंग होगी भी तो बस ज़्यादा हफ्ते खंड या 10-12 दिन चलेगी। हमारा वीडियो देख लेना आप, आपकी अगर शटल ख़राब हो गई है तो आप रिपेयरिंग कर सकते हैं और कुछ दिनों तक चला सकते हैं, महीने 2 महीने, लेकिन आपको बदलाना पड़ेगा। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है तो फिर आप इसे चेंज करवा लें। आज हम आपको चेंज करके नहीं दिखाएंगे, अगर चेंज करने वाला वीडियो आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको चेंज करने वाला भी वीडियो बनाकर ज़रूर देंगे। तो गाइस, इस तरीके से यहाँ पर खरांच आ जाती है, खरांच आने से हमारी मशीन सुई धागा तोड़ने लगती है, धागा मतलब धागा जो होता है वो उसे काटने लगती है। और उसके बाद अब अगर हमारी मशीन कहीं सुई तोड़े तो फिर हमें क्या करना है, ध्यान रखें, सुई तोड़ने के लिए जब सुई तोड़ती है तब कहाँ कैसे तोड़ती है, तो सुई तोड़ती है तब ये जो यहाँ पर जो पैंच होते हैं ये हमारे पैंच मशीन के ढीले हो जाते हैं। ध्यान रखें, ये मशीन के पैंच जब ढीले हो जाते हैं तो ये शटल घूम जाती है, घूमने से फिर क्या होता है कि शटल की और सुई की टाइमिंग गलत हो जाती है, जब गलत टाइमिंग होती है तभी हमारी मशीन सुई तोड़ने लगती है। तो आपके समझ में आ गया होगा, अगर शटल की सेटिंग का वीडियो चाहिए आपको तो फिर आप, तो उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी कि हमारी मशीन सुई क्यों तोड़ती है और इसे हम कैसे ठीक करें। तो अब हम आपको बताने वाले हैं, अगर हमारी मशीन की स्पीड मतलब हमारी मशीन स्पीड सही से ना दे रही हो तो फिर हमें क्या करना है। तो चलिए वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको चेक करके दिखाएंगे कि हमारी मशीन, सबसे पहले आपको चलाएंगे, चला के दिखाएंगे, उसके बाद फिर बताएंगे इसकी स्पीड अगर तेज़ नहीं है तो हम क्या करें। पहले तो हम स्पीड यहाँ से बढ़ा लेते हैं, अब यहाँ पर मेरी फुल है, बिल्कुल एंड है यहाँ पर। तो अब हमें क्या करना है, हमारी स्पीड तेज़ नहीं है तो हमें क्या करना है, कैसे हमारी स्पीड मशीन की बढ़ेगी। तो चलिए हम सबसे पहले चेक करके देखते हैं, इस तरीके से रख लेते हैं और चला के देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से चलती है।
क्योंकि स्पीड तो देखने में तो सही लग रही है, लेकिन फिर भी कस्टमर की चॉइस है कि हमारी मशीन की स्पीड और अच्छी हो और अच्छे से हमारी मशीन कपड़ा आगे खींचे। तो हमें क्या करना है इस कंडीशन में, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से पेंचकस लेके और ये पेंच खोल लेने हैं। ध्यान रखें, इस तरीके से आपको पेंच खोलने हैं और देख लेना है हमारे जो दांता हैं, इसके जो दांत हैं ये कहीं ढीले तो नहीं है। क्या होता है कभी कभी हमारी दांतों की सेटिंग तो सही होती है, लेकिन दांत पेंच होते हैं वो ढीले हो जाते हैं, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आने लगती है। और अगर कोई गंदगी या कचरा वगैरह फंसा हुआ है तो फिर तो कहना ही क्या। तो इस तरीके से देख लें चेक करके हमारे दांत बिल्कुल सही हैं या नहीं हैं, क्योंकि दांत तो नए लग रहे हैं दिखने में, तो फिर दिक्कत कहाँ पे है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से सबसे पहले आपको इस तरीके से ये चीज़ और खोल लेनी है। ध्यान रखें इसे खोल लें, बूट हमारा एकदम सही है। अभी थोड़ा बहुत इसमें स्क्रैच ज़रूर आ गए हैं, देख सकते हैं स्क्रैच इसमें आ चुके हैं, और इसकी वजह से भी हमारी मशीन धागा तोड़ने लगती है। यहाँ पर अगर इस तरीके से टटोलेंगे तो यहाँ पर खराज सी बन गई है, देख सकते हैं। ध्यान से देखें थोड़ा, आपको उम्मीद है आपको सही से समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से करेंगे तो स्क्रैच से महसूस होंगे आपको। तो आपको क्या करना है, इस तरीके गत्ता वगैरह अगर आपके पास है या लकड़ी का प्लाई बोर्ड है तो उस पर इस तरीके से आप घिस लें, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ से अगर धागा काट रही होगी मशीन तो धागा बिल्कुल ही नहीं काटेगी। तो देख सकते हैं ये हमने बिल्कुल चमका दिया है, ऐसे ही आप घिस लें तो आपकी मशीन कुछ परसेंट सही चलेगी। ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम सही चले, लाइफ टाइम के लिए फिर आपको ये चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए इसे हटाते हैं, अब हम आपको बताते हैं। पहले तो इसे दांतों को टाइट करके देख लें कि अच्छे से टाइट हैं या नहीं हैं, सही हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस तरीके से ऑयल ले लेना है। ये इस ऑयल को लेके इस तरीके से इसे साफ कर लें। कमेंट करके आप अगर आप पूछेंगे तो हम ऑयल भी बताएंगे आपको कौन सा ऑयल है, और इसे देख सकते हैं एकदम क्लियर हो जाएंगे ये दांत हमारे मशीन के, एकदम क्लियर हो जाते हैं। देख सकते हैं, पास से देखें थोड़ा ध्यान से, इस तरीके से अगर आप साफ करेंगे तो दांत भी आपके अच्छे पहने भी हो जाएंगे और अच्छे भी होंगे। ध्यान रखें गंदगी शटल के अंदर नहीं जानी चाहिए, ये शटल है हमारी, शटल में अगर गंदगी चली गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ध्यान से देखें, और अगर गंदगी चली गई है तो उसे हटाने का भी प्रयास करें। इस तरीके से चलाकर देख लें। तो चलिए यहाँ का तो काम हो गया, अब हम आपको बताते हैं दांत जो हमारे जो दांत हैं इन्हें कैसे ठीक करें। इतना काम तो हो गया, अब इसे हम लगा लेते हैं। ये इसे पटरी बोलते हैं, पटरी को आप लगा लें इस तरीके से, पटरी को लगा लें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और जानकारी भी समझ में आ रही होगी, क्योंकि हम जो भी बताते हैं तसल्ली से बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बड़बड़ी करें। अगर आप बड़बड़ी मतलब जल्दी जल्दी वाला वीडियो चाहिए तो भाई आप कमेंट करें कि आप जल्दी जल्दी वीडियो में समझा दें, तो भाई वैसे बनाएंगे। तो इस तरीके से आप इसे लगा लें, अब हम आपको बताएँगे कि आपको कैसे ठीक करना है। बूट देख लें, बूट हमारा बिल्कुल सही सेंटर पे होना चाहिए। अगर तिरछा बिरछा है, थोड़ा भी इधर उधर है, तो आप उसे बिल्कुल लाइनबद्ध कर लें। तो यहाँ पर इस तरीके से पेंचकस लगाएं और इस तरीके से थोड़ा घुमा लें, तो इस तरीके से लगा लें और चेक कर लें कि हमारा बूट बिल्कुल सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। देख सकते हैं तो सही है बिल्कुल। तो अब हमें क्या करना, अब हमें इसके दांत उठाने हैं। तो दांत कहाँ से उठाएंगे, तो आपको इस तरीके से पलटा लेना है, और दांतों का अटैच हमारी मशीन का यहाँ से है। ध्यान से देखें थोड़ा, ये दांत है हमारे जो इस रॉड में कसे हुए हैं, देख सकते हैं इस रॉड में ये कसे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये वाला बोल्ट ध्यान रखें, ये वाला बोल्ट है, इसे थोड़ा लूज करना है, हल्का लूज करना है, ज़्यादा नहीं करना है। थोड़ा टाइट खुलेगा लेकिन हमारी मशीन का तो लूज ही खुलेगा, क्यों हमारी मशीन ऑलरेडी खुल चुकी है पहले ही। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ खोल लिया, अब हमें क्या करना है, हमें धीमे धीमे ऊपर को बढ़ाना है इस तरीके से। रॉड को थोड़ा हमें थोड़ा ऊपर करना है, ज़्यादा नहीं करना है।
बस थोड़ा कर लेना है, बस इतना करने के बाद फिर हम इसको इस पैच को फिर टाइट कर लें, फिर चेक करके देख लें हमारी मशीन सही वर्क कर रही है नहीं कर रही है। अगर हमारी मशीन सही चलने लगी है तो फिर अच्छी बात है, नहीं चलने लगी तो थोड़ा और उठा लें, लेकिन एक लिमिट है इसकी। अगर दांत हमारे जब घिस जाते हैं तब तो फिर हमें चेंज बदलाना ही पड़ेगा। तो अभी तो और टाइट चलने, अभी और स्लो चलने लगी, इसका मतलब हमारे दांत ऊपर नहीं उठे हैं। तो चलिए दोबारा करते हैं, भाई मशीनरी है एक बार में तो ठीक हो नहीं जाएगी, तो चलिए दोबारा ट्राई करते हैं। यहाँ से पेंच को लूज कर लें। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से राड को इस तरीके से उठाएंगे तो ये दांत हमारे ऊपर उठ जाएंगे। या हम यहाँ से उठाएं, उठ गए, हम चेक करके देखते हैं, पहले ध्यान से देखें जरा। उम्मीद है आपको समझ में ज़रूर आएगा। अगर हम आपको अब देखें दांत यहाँ से रॉड को ऊपर नीचे करते हैं तो देख सकते हैं इस तरीके से ऊपर नीचे उठ रही है। थोड़ा और उठा लें, इतना उठा लें, अब सही है। ज़्यादा उठाएंगे तो फिर सिलाई इधर उधर भागने लगेगी। देख सकते हैं इतने ही काफ़ी हैं, मतलब थोड़ा बामामूली सा एक पॉइंट ऊपर पटरी से रखना है ताकि हमारी पटरी सिलाई भी अच्छे से देती रहे मशीन। तो अब हमें क्या करना है, ध्यान रखें, अब हमें पेंच को कस लेना है इस तरीके से। आपकी भी मशीन में अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप इसी तरीके से ठीक कर सकते हैं। चलिए हम अब चला कर देखते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, आप लोगों ने धैर्यपूर्वक देखा, देख सकते हैं अब हमारी मशीन अच्छे से दौड़ लगाने लगी। अब इससे ज़्यादा दौड़ लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, चाहे जैसे चलाएं बिल्कुल सही से चल रही है। तो गाइस उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो को पसंद किया और अच्छा भी लगा होगा। तो बस लाइक करें तभी हमें पता चलेगा कि अब आप हमारा वीडियो पसंद करते हैं। एक कमेंट करें तभी हमें भी भरोसा होगा कि आपको हमारा वीडियो समझ में आया है। तो जो भी माताएं बहनें भाई वीडियो देख रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।